वो सुबह सुबह गाड़ी खड़ा कर दिया और जितना बैठा हुआ है सबको बैठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया बनी मालिक से लाइव हूँ आपके साथ में। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो भी अभी दिखा देता हूँ जो कि सुबह टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम है, उस टाइम मैंने खुद से बनाई है। अच्छा, जो नीम का दरख्त है ये अलराजी बैंक के नीचे, इसकी वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ज़्यादातर भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा ये काम एक्सपायर है, मैं खरूज पर जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ। तो मैं आपके साथ डिटेल से वीडियो शेयर करता रहता हूँ, लेकिन आज की एक और लेटेस्ट अपडेट आ रखी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं भाई वहाँ से गुजर रहा था बनी मार्ग नीम के दरख्त के पास से, तो उस टाइम मुझे वहाँ पर सात आठ या दस आदमी थे मौजूद नीम के दरख्त जो पकड़ाई देने आते हैं जी सफ़र के लिए। तो दौरियत की गाड़ी उसी टाइम ही आकर रुकी है जब मैं गुजर रहा था यहाँ पर। वो वीडियो मैं शायद अभी आपको दिखा भी रखा हूँ, ये मैंने अपने मोबाइल से फिर थोड़ी सी बनाई, मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था। तो भाई उस टाइम हुआ ये कि दौरियत वाले ने नीचे उतरते ही उन बंदों को आवाज़ लगाई पासपोर्ट फी, वो बंदे आगे से सोच में पड़ गए। वो दौरियत वाला उनको बोल रहा था फी पासपोर्ट वाला माफ़ी, हाजन नफर पासपोर्ट मौजूद सभी ईजी माँ मुश्किल, यानी कि जिन बंदों के पास पासपोर्ट था उनको दौरियत वाला बोल रहा था कि अभी आओ तुमको मैं लेकर जाता हूँ, और जल्दी सफ़र हो जाता है उनका। क्यों जल्दी सफ़र हो जाता है भाई, जब आप पकड़ कर जेल में जाते हैं शमेसी में, उस टाइम पाकिस्तानी सफारत खाने वाले आते हैं, फिर पाकिस्तानी सफारत खाने वाले उन बंदों को लेकर जाते हैं जो बंदे पकड़ाई देकर आए होते हैं या खुद से दौरियत उनको पकड़ कर लाती है। तो जिस बंदे के पास पासपोर्ट हो ना उसका भाई, फिर पाकिस्तानी सफारत खाने वाले जल्दी काम कर देते हैं, यानी कि पासपोर्ट लेकर जाते हैं मकतबे अमल से, उसका खरूज लगा कर लाते हैं, एक दो दिन में उसको उसका खरूज लग कर आ जाता है, यानी कि 6-7 दिन या 10 दिन के अराउंड में वो बंदा वहाँ से शमेसी जेल से उसका सफ़र कर दिया जाता है। और जिन बंदों के पास पासपोर्ट नहीं है उनके लिए थोड़े दिन ज़्यादा लगते हैं, सफ़र तो उनका होता है लेकिन उनको दिन थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये बनी मालिक की इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप भाई मुझको कमेंट करते हैं कि मेरे हमारे काम एक्सपायर हैं भाई, हम सफ़र कैसे करें। तो ये एक ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं अभी आपको देख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।